मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है, उनको अच्छा हाँ कोई हेल्प नहीं है। हाँ इसके अलावा सिर्फ जरूर अकेले एक एयरलाइन है बाजार, इतने से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई, जो एक एयरलाइन है वहां भी कंफर्म नहीं है, वहां भी कैंसिल हो जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। अभी आपने बातचीत सुनी, ये भारत की एक बेटी है जो इस वक्त यरूशलम में फंस गई है। इसका नाम स्वाति सिरोटिया है और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली है। स्वाति ने अपने पिता को फोन करके बताया कि कैसे सायरन बजते ही 1.5 मिनट के अंदर सबको बंकर में जाना पड़ता है। हॉस्टल में जो कुछ खाने पीने का इंतजाम है बस उससे ही काम चला रही है। सुनिए एक बार फिर। एक एयरलाइन चल रही, मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है, अच्छा उनको कोई हेल्प नहीं है। हाँ इसके अलावा सिर्फ जरूर अकेले एक एयरलाइन है बाजार, इतने से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, हाँ और आदिश अबाबा से दिल्ली या हाँ मुंबई, जो हाँ एक एयरलाइन है वहां भी कंफर्म नहीं है, वहां भी कैंसिल हो जा रही है। एमपी की ये बेटी इजराइल हमास युद्ध के बीच यरूशलम में फंस गई है। पिछले 5 दिनों से इजराइल पर हमास के हमले के बाद से दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन इस संघर्ष के बीच लगातार भारतीयों के फंसे होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी तरह टीकमगढ़ जिले के शिव धाम कुंडेश्वर की रहने वाली स्वाति सिरोटिया 2020 में एग्रीकल्चर से एमएससी करने इजराइल गई थी, जो इस युद्ध के चलते वहीं फंस गई है। स्वाति ने इसी महीने अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपने घर वापस लौटने का फैसला किया था, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया और वहां के हालात बुरी तरह खराब हो गए। स्वाति के पिता राजेंद्र सिरोटिया ने बताया कि स्वाति यरूशलम की हिब्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कर रही हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में वो घर आई थी। करीब 1 महीने रहने के बाद नवंबर में वापस इसराइल चली गई थी। इसी साल अक्टूबर महीने में स्वाति की डिग्री कंप्लीट हो रही थी, वो थीसिस के लिए वहां पर रुकी हुई थी। मंगलवार सुबह स्वाति से फोन पर बात हुई थी तो उसने बताया भी था कि फिलहाल वो हॉस्टल में है, सुरक्षित है। परिवार से बातचीत के दौरान स्वाति ने बताया कि इजराइल में सिर्फ एक एयरलाइन सर्विस चल रही है। इंडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 14 अक्टूबर तक बंद है। और स्वाति ने ऐसा कहा कि उनके लिए एम्बेसी ने कुछ नहीं किया, कोई मदद नहीं की, जबकि स्पेनिश गवर्नमेंट ने बाकायदा प्लेन भेजकर अपने छात्रों को एयरलिफ्ट करा लिया है। स्वाति ने कहा यहां पर इंडिया के लगभग 3,000 बच्चे होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे कैंपस में ही 25 से 30 भारतीय बच्चे हैं और हम सब यहाँ बंकर में रह रहे हैं। ये बंकर के बारे में उन्होंने बताया कि ये हमारे रूम जैसे ही हैं, बस दीवारें ज़्यादा मजबूत हैं। वहीं स्वाति की बड़ी बहन मीनल ने बताया कि इसराइल से भारत लौटने के लिए उन्होंने 16 अक्टूबर की फ्लाइट बुक कराई है। इससे पहले स्वाति के कई साथियों की फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए डर लग रहा है, लाजमी भी है डर लगना। परिवार ने बताया कि स्वाति अपने घर में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी है। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, भाई आर्मी में है, उनकी पोस्टिंग नागालैंड के कोहिमा में है। स्वाति के पिता राजेंद्र जी स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, 1 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं। अब कुंडेश्वर में अपने घर पर ही रहते हैं, जबकि स्वाति की माँ हाउसवाइफ है। बेटी को सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए स्वाति के पिता राजेंद्र सिरोटिया ने अब भारत सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी बेटी को सुरक्षित घर लाने की अपील की है। वहीं अब इसराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। 11 अक्टूबर को विदेश मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि इसराइल से लौटने को इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर्ड उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आपको हम बता दें कि इसराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इसराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसराइल एयरफोर्स ने बताया है कि उन्होंने हमास कमांडर मोहम्मद देइफ के पिता के घर पर अटैक किया है। कुछ मीडिया सर्विसेज की माने तो इसराइल के हमले में देइफ के भाई की, जो आतंकवादी देइफ है, उसके भाई की मौत हो चुकी है। ऐसा पहली बार है कि फिलिस्तीन ने इसराइल पर इतना बड़ा, इतना भयानक अटैक किया। इससे पहले भी वो छोटी मोटी मिसाइल दागा करता था, बंदी बनाता था, कुछ कैजुअल्टीज करता था और ये लोग सब भाग जाया करते थे।
लेकिन इस बार फिलिस्तीनी कमांडर मोहम्मद देइफ ने ऐसी रणनीति बनाई कि इसराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमास ने इस बार आसमान, पानी, जमीन तीनों से इसराइल पर हमला बोला, क्योंकि पैराग्लाइडर्स सुरक्षा उपकरणों के रेडार की पकड़ से बाहर होते हैं। इसलिए आतंकी पैराग्लाइडिंग करते हुए आए और मौत बनकर इसराइल के लोगों पर टूट पड़े। तो वहीं सैकड़ों पर बाइक से तो समुद्र में नाव पर सवार होकर आए, इसराइल के कई छोटे छोटे शहरों पर कब्जा कर लिया। बाइक से भी आए, उससे भी हमला किया, समंदर के रास्ते आए, उससे भी हमला किया, और तब से ही दोनों देशों के बीच हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तो अगर आपके परिवार या आपकी जानकारी में कोई भी इसराइल में इस वक्त फंसा हुआ है तो आप सरकार की तरफ से जारी किए गए इन नंबर्स पर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। आपकी ये छोटी सी पहल आपके किसी अपने की जान बचा सकती है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।